फुल डे पहनने के लिए गाइज अगर आपको सैगी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कैमिसन की मिनिमाइजर ब्रा, फुल कवरेज ब्रा। तो गाइज ये ब्रा कुछ ऐसी दिखती है एंड दिस इज अ फुल कवरेज ब्रा। और जो इसकी बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगती है कि इसके साइड में ना जो ये फैब्रिक है ये बहुत ब्रॉड है, सो ये साइड से भी पूरा अच्छे से कवरेज प्रोवाइड करता है और अच्छे से कवर करता है। एंड स्पेशली इसको इस तरह से डिजाइन करा हुआ है कि आप फुल डे इसे कंफर्टेबली पहन सकते हो, आप पूरा दिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हो इसमें, बिकॉज लिटरली द फैब्रिक इज सुपर 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 सॉफ्ट। तो दिस इज नॉन पैडेड नॉन वायर्ड, सो इसमें क्या है कि बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हैवी बस्ट जो रहता है वो ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो हैवी बस्टेड गर्ल्स के साथ ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सो यू डोंट नीड टू कैरी एक्स्ट्रा वेट। सो इसमें कोई पैडिंग नहीं है, कोई वायर नहीं है, एट द सेम टाइम ये फुल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। साथ में जिनके हेवी बस्ट हैं या सेगी बस्ट हैं उनको ऐसी ब्रा पहननी चाहिए जो कि अच्छे से फुल कवरेज प्रोवाइड करे और अच्छा सपोर्ट भी दे। मैंने गाइस इसमें 34D साइज मंगवाया जो कि मेरा साइज है, जो कि मुझे अच्छे से प्रॉपरली फिट आ रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो इसमें आपको 32 से लेके 44 तक के साइजेस मिल जाएंगे। एंड अभी मैंने इसमें दो कलर्स मंगवाए हैं, फर्स्ट इज दिस वन व्हाइट वन जो मैंने आपको दिखा दिया, एंड सेकेंड इज दिस वन विच इज इन स्किन कलर। तो दिस इज हाउ द स्किन वन लुक्स लाइक। और गाइज अगर आप इसका बैक देखोगे ना तो ये काफी ब्रॉड है, प्लस इसका जो ये स्ट्रैप है ये भी काफी ब्रॉड है, प्लस आपको इधर पे 3 हुक्स मिल जाते हैं, तो ये बेस्ट है हैवी ब्रस्ट वालों के लिए। एंड आपको ऐसी ब्रा जरूर से ट्राई करनी चाहिए इफ यू बिलोंग टू द सेम कैटेगरी।